कई बार कोडर वाली फील आती है अगर हम लैम्प में कोड करें। और ये है अपनी डिक्शनरी। क्या डिक्शनरी है? डिक्शनरी क्यों रखूँगा मैं? ये डिक्शनरी नहीं है, ये एक्चुअली लॉकर है, तो मुझे इसको खोलना पड़ेगा। अब जो मैं तुम्हारे लिए सबसे बिगेस्ट सरप्राइज लेकर आया था उसके बारे में चलते हैं और थोड़ा सा टर्न लेते हैं। तेरी रूम की एंट्री है और इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे मैंने डू नॉट डिस्टर्ब लगा रखा है, और मैं तब यूज करता हूँ जब मैं अंदर काम कर रहा होता हूँ या रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ। विक्स नहीं ले देगा बाबा एकदम लाइफ में। तो जब कोई ये लगा हुआ है तो कोई अंदर नहीं आएगा ना नॉक नॉक करेगा। जब मैं इसको हटा दूंगा तो अंदर आ सकते हो और डिस्टर्ब कर सकते हो। तो चलते हैं अब रूम में और मैं तुम्हें इसका सेटअप अच्छे से देता हूँ। सबसे पहले ये सेटअप को रिकॉर्ड करेंगे हम। और यार उधर की साइड के सेटअप के बाद ना एक ऑल्टरनेट साइड पे एक और सेटअप है, वो मैंने तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट करी है, तो प्लीज एंड तक रहना वीडियो में और उस सेटअप को जरूर देख के जाना। दैट इज फॉर यू ओनली। और मुझे बताना तुम्हें कैसा लगा वो, ठीक है? तो चलते हैं और एक एक करके दोनों सेटअप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो यार ये चेयर है, आई थिंक ग्रीन सोल की चेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इस पर अपन आराम से यूं बैठ जाते हैं और एकदम कमर भी ढंग से स्ट्रेच हो जाती है और पैर वैर की पोजीशन भी बिल्कुल सही रहती है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आई थिंक अराउंड 19,000 के आसपास पड़ी थी मुझे चेयर, तो बहुत सही है। तो सबसे पहले अगर मैं अपने सेटअप की बात करूँ तो सबसे ऊपर अगर तुम्हें थॉट दिख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, एक स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग और एक द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइम। ये दोनों थॉट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखते हैं, क्योंकि जब भी ज़्यादा सोच रहे हो काम करो अपना उसी वही मैटर करेगा, और सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आएगा जब यू विल टेक द हार्डेस्ट क्लाइम। दीज टू थिंग्स कीप्स यू मोटिवेटेड। और ये मेरा मेन सेटअप है जिसपे मैं स्टार्टअप का कोड कर रहा होता हूँ, राइट? ये मेरा जनरली एक सैमसंग का टीवी स्क्रीन है जिसपे मैं बैकएंड का कोड करता हूँ। ये वर्टिकल स्क्रीन है, इस पर फ्रंटएंड का कोड होता है क्योंकि फ्रंटएंड के कोड लंबे होते हैं। ये डेल की स्क्रीन है और ये मैकबुक प्रो लैपटॉप है, इससे ये दोनों स्क्रीन अटैच्ड है। ये मैकबुक प्रो 16GB रैम वाला है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ तुम्हें पता लग जाएगा। और एक छोटा सा माउस है क्योंकि माउस से स्क्रोलिंग बहुत आसान होती है। तो ये मेरा ओवरऑल प्रोडक्टिव सेटअप है ना। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो ये मैकबुक प्रो अराउंड 2 लाख का है, ये सैमसंग का टीवी अराउंड 20,000 और ये डेल की स्क्रीन अराउंड 10,000, राइट? तो अप्रॉक्सीमेटली 2.3 लाख के आसपास का ये तीनों मिला के है ना। माउस वाउस तो चलो छोड़ो, आई थिंक 2-3 हज़ार रुपये का ही है। उसके बाद जो मेरा ये है, ये मेरा एक और सेटअप है, दिस इज़ मोस्टली रिगार्डिंग यूट्यूब कॉन्टेंट, जो मैं कंटेंट क्रिएशन में जैसे तुम्हारा DSA का रोड मैप बनाया हुआ है मैंने। ये मेरा मैकबुक है जिससे अटैच है, यहाँ पर यूट्यूब के मैं स्टार्ट्स वगैरह चेकआउट कर लेता हूँ। ये पूरा यूट्यूब का सेटअप है ये दोनों स्क्रीन्स, और ये पूरा स्टार्टअप का सेटअप है। तो कोड वगैरह इस पर करता हूँ, इस पर जनरली तुम्हारा जो भी कॉन्टेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ यूट्यूब के लिए पढ़ाने वाला कॉन्टेंट लाऊंगा तो इस पर बनाऊंगा, तो सेपरेट रहता है, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। मैकबुक क्यों यूज़ करता हूँ? क्योंकि यार आदत है मैकबुक यूज़ करने की, विंडोज़ लैपटॉप नहीं यूज़ हो पाते। ये 8GB रैम वाला लैपटॉप है, इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हैवी कोडिंग नहीं हो रही है। और ये एसर की अल्ट्रा वाइड स्क्रीन है, मैं इन दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये अराउंड 20,000 की है एसर वाइड स्क्रीन, और ये मैकबुक प्रो अराउंड 1.5 लाख का है। तो अगर तुम दिमाग लगाओगे तो ओवरऑल ये दोनों पूरा सेटअप मिला के 4 लाख के आसपास तुम्हारा बैठ जाता है ना। ये दो यहाँ पर छोटे से डब्बे हैं विच इज़ यूज टू हाइड द केबल्स, वरना बहुत अभी भी थोड़ा सा शायद मैसी लगे, बट बहुत ज़्यादा केबल से बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। और एक ये अपना छोटा सा लैम्प है जो मैं रात को यूज़ कर लेता हूँ अगर कोडिंग वगैरह करनी है और रात में लाइट्स वगैरह इरिटेटिंग लग रही हैं, कई बार कोडर वाली फील आती है अगर हम लैम्प में कोड करें। अच्छा ठीक है, तो ये ओवरऑल है। एक ये रोड का माइक है ना, एक रोड का माइक यहाँ यूज़ हो रहा है एक, और इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये अराउंड 30,000 के आसपास का रोड का माइक है, तो दैट इज़ देयर। ये ओवरऑल हमारा काम करने वाला सेटअप है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। ये अगर तुम देखोगे तो छोटी मोटी ट्रॉफीज़ हैं विच आई हैव अर्नड है ना, वर्कशॉप्स में जाके जो मिली हैं, कुछ कोडिंग जैसे कप्स हैं जो मुझे मिले हैं। सो दीज आर अराउंड ट्रॉफीज, दीज कीप्स यू मोटिवेटेड। अब ये हमारा एक छोटा सा यहाँ पर मिनी सेटअप और है, राइट? इस मिनी सेटअप में क्या है, हमारा आईपैड है और आईपैड का एक स्टैंड है। ये स्टैंड तुम्हें इंडिया में नहीं मिलेगा, ये मैंने US से अपने फ्रेंड से मंगाया था। ये आईपैड बहुत सही है, आई थिंक 11 प्रो करके है। इसमें जनरली मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा होता हूँ कि मुझे सुबह कौन कौन से टास्क करने हैं, तो मैं इसमें नोट्स में कॉरस्पॉन्डिंग मैंने लिखा हुआ है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। इसके साथ ये कीबोर्ड अटैच्ड है जिससे मैं टाइप वगैरह कर लेता हूँ। एयरपॉड्स हैं क्योंकि कभी कभी बैकग्राउंड नॉइस नहीं चाहिए, थोड़ा गाने सुनते हुए काम करना है, तो एयरपॉड्स बहुत ज़्यादा सही लगता है। सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ एयरपॉड्स इज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक हटा देता है।
तो आईपैड आई थिंक अराउंड 70,000 के आसपास का है, ये कीबोर्ड अराउंड 3,000 के आसपास का है, एयरपॉड्स अराउंड 20,000 के आसपास के थे। ये आई थिंक मोस्टली ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत सही ब्रेनस्टॉर्मिंग हो पाती है आईपैड पे मेरी कि आज मुझे क्या क्या करना है वगैरह। ये एक छोटा सा रिमोट स्टैंड बना लिया, बट एक कप था जो मुझे टेडेक्स टॉक में मिला था, मैंने IIIT दिल्ली में दी थी और उन्होंने एक पेन भी दिया था, तो वो पेन है इसमें। ये डायरी है, कभी कभी डायरी में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना भी लगता है यूज़फुल, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये छोटा सा पावर बैंक के पीछे, और ये हमारा शॉर्ट्स के लिए स्टैंड है, इसमें मैं फ़ोन लगाता हूँ तो इससे मैं शॉर्ट्स वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ। ये सब सस्ती सस्ती चीज़ें हैं, मतलब इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। पावर बैंक अराउंड 2,000 का है, राइट। ये स्टैंड आई थिंक 600 का है, सो दैट इज़ देयर। और ये इंपॉर्टेंट है, ये एंड्रॉयड का फ़ोन है, क्योंकि मैं ऐप बना रहा हूँ अपने स्टार्टअप के लिए, तो एंड्रॉयड टेस्टिंग इसी पर करता हूँ, इसलिए मुझे बहुत सही लगते हैं ये। रिकॉर्ड मैं आईफोन पे कर रहा हूँ, तो दैट इज़ देयर। तो आईफोन अराउंड मेरा 1,00,000 के आसपास का है। आईफोन मैंने भी रिसेंटली लिया था, जब यूट्यूब चैनल अच्छा चलने लगा था, मैंने एक पोस्ट भी डाला था, है ना। तो दैट इज़ देयर। ओवरऑल ये मेरा प्रोडक्टिव सेटअप है, फ़ोन है, लैपटॉप है, कोड है, सब कुछ है। इस सेटअप पे अपन वो सब कर रहे होते हैं, है ना। अब जो मैं तुम्हारे लिए सबसे बिगेस्ट सरप्राइज़ लेकर आया था, उसके बारे में चलते हैं और थोड़ा सा टर्न लेते हैं और इस पर आ जाते हैं। ये अपना बड़ा टीवी है, टीवी कह लो, पढ़ाने के लिए एलिमेंट कह लो, एंड इस पर अपन बोर्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारा काम कर सकते हैं। इस पर समझाने के लिए बहुत सही होगा। और अगर तुम देखोगे सामने एक छोटा सा कैमरा भी लगा हुआ है जिसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ, वो बेंचमार्क का कैमरा है, आई थिंक थोड़ा महंगा कैमरा है, वो भी 95,000 का। और ये टीवी 1,50,000 का है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ यू थोड़ा पढ़ाने वाइज कंटेंट लाएंगे, समझाने की चीज़ें कोशिश करेंगे, डायरेक्शनल वीडियोज़ लाएंगे उसके लिए आई वॉट। एंड एक और चीज़ है, मैं स्टार्टअप में मीटिंग करता हूँ लोगों से, तो बोर्ड पे समझाना बहुत आसान होता है, बहुत प्रोडक्टिव रहता है। अगर मैं अपने फाउंडर से बात कर रहा हूँ, टीम वालों से बात कर रहा हूँ, तो इस पर अपन बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं, कैमरा से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और मीटिंग अच्छे से अपनी हो पाती है ना। और एक थोड़ा सा डिफरेंट रीज़न बट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर तुम देखोगे यहाँ PS4 के कंट्रोलर है, ये टीवी से अटैच हो जाता है, तो मज़ा आता है खेलने में। मैं PS4 वगैरह गेमिंग भी करता हूँ। आ जाओ, कुछ नहीं, गेमिंग कर ले थोड़ा। ये PS4 है, PS5 नहीं लिया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे नहीं लगता, बट ले लूँगा सही टाइम पे आने पे, है ना, थोड़े पैसे वैसे कमाने लगे तब। बात तो सही है। ठीक है, ये घड़ी है छोटी सी, अगेन ये केबल स्टैंड है जिसमें केबल वायर स्टोर हो जाते हैं, है ना। ये एक्सटेंशन है, ये थोड़े बहुत स्टैंड्स हैं, इसे मार्कर वगैरह रख लिया, ये रोड का स्टैंड है, ये सब ऐसे ही है। एक छोटा सा बैग है जिसमें मैं लैपटॉप वगैरह रख लेता हूँ, बहुत अच्छा बैग लगता है मुझे ये, आई थिंक अमेजोन से लिया था, 3,000 के आसपास का ये बैग। और ये थोड़ी बहुत अगेन अचीवमेंट्स, ये ट्रॉफी है जो मुझे माइक्रोसॉफ्ट से मिली थी वर्कशॉप के टाइम। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें छोटी मोटी डीओ वगैरह, बाल बनाने के लिए चीज़ें, है ना, भगवान जी भी हैं। और ये है अपनी डिक्शनरी। What? क्या डिक्शनरी है, डिक्शनरी क्यों रखूंगा मैं, ये डिक्शनरी नहीं है, ये एक्चुअली लॉकर है। वाह क्या सीन है, तो मुझे इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है, ये ऑलरेडी खुला हुआ है वैसे, बट इसमें नोट्स वगैरह रख लो और अपना इसको बंद करके पासवर्ड चेंज कर दो, लॉक कर दो। तो डिक्शनरी नहीं है, लॉकर है। एक सामने छोटा सा शीशा भी है जो मैं बाल वाल बनाने के लिए यूज़ कर लेता हूँ। और ये अपनी 3 अलमारी हैं, इसमें कपड़े वगैरह हैं, है ना, थोड़े बिखरे हुए होंगे, तो ये क्या करोगे देखकर, है ना। सो दैट इज़ देयर। ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट एसी लगा हुआ है, और ये अपना प्रोडक्टिव सेटअप है। इधर की साइड में सारा काम करता हूँ और इधर की साइड अपना आराम से सोचता हूँ, पढ़ाऊँगा, चीज़ें करूँगा, तो मज़ा आएगा। एक ये छोटा सा अपना बेड भी है, मेरे को थोड़ा सा बड़े बेड की आदत है ना, तो थोड़ा सा मतलब क्वीन साइज बेड है ये, सिंगल साइज बेड पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट आई थिंक क्वीन साइज बेड पे आई थिंक आराम से अपना काम हो जाता है, सो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और बस यही है। ऊपर अगर तुम देखोगे लाइट्स वगैरह मैंने यहाँ 5 एक्स्ट्रा लगवाई हैं फॉर बेटर वीडियो क्वालिटी। ऊपर लाइट्स वगैरह हैं, पंखे हैं, बट मेन ये 5 लाइट्स हैं जो मैंने एक्स्ट्रा लगाई हैं, जब रिकॉर्ड कर रहे हो तो लाइट अच्छे से चेहरे पे पड़े, राइट। सो यही है मोस्टली प्रोडक्टिव सेटअप। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, मैंने इन सब के लिंक्स जो भी मैंने डिस्कस करे हैं उनकी वीडियो में डाल दूंगा, हो सकता है कोई मिस हो गया हो तो उसका भी डाल दूंगा, तुम चेकआउट कर सकते हो। और आई होप तुम ऐसा सेटअप रखो, जितनी चीज़ें धीरे धीरे अपना सेटअप इम्प्रूव करते रहो, मैं भी और इम्प्रूव करते रहूँगा। तुम्हारे दिमाग में कोई कमेंट हो कि भैया ये चीज़ यूज़ करो, ये आपको हेल्प करेगी, तो वो भी बताना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक द फीडबैक।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुमने बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।